da da love. You are the best. शायद क्लिनिक से आवाज आ रही है। ये तो भेड़िये की आवाज है। हाँ चलो। मुझे पता था भेड़िया होगा। कितनी क्यूट है ये। ये भूरा भेड़िया है। जंगल के लोगों का कहना है कि हम इसे जंगल के दूसरे भेड़ियों के साथ छोड़ सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? हाँ, भेड़ियों को आदत होती है, बस इन्हें जल्दी छोड़ना पड़ेगा। चलती हूँ अब, मुझे जाना पड़ेगा। डैड को बता देना कि मैं चेम्बरलेन बेसिन कैंप साइट में हूँ। हम भी साथ चल सकते हैं? सॉरी स्वीट हार्ट, मैं नहीं चाहती कि ज्यादा लोग कैंप साइट पे जाएं। और तुम्हारे डैड भी यहाँ पर नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम और लासी यहाँ का ख्याल रखें। ठीक है मॉम, हम लोग घर का अच्छे से ख्याल रखेंगे। पहले मिसेज ली स्टोर से स्नैक्स लेकर आते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ हाँ बिल्कुल। बदमाश। कितने टेस्टी है ये। और मैसी भी। लैसी, हेलो। मैं हेलो। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये नया वाला बहुत ही बढ़िया है, आज तक का बेस्ट तोहफा। अब देखना। तुम्हें ट्राई करना है? तुम बारूद बेचती हो क्या? क्या कहा? बारूद? हम लोग नेशनल पार्क में हैं। बेचती हो या नहीं? किसके लिए? भेड़िया। पार्क के सारे भेड़िया सुरक्षित हैं। उन लोगों को मेरे घर में घुसकर मेरी बिल्ली को मारने का कोई हक नहीं है। ओह, मैंने इतने सालों में किसी भेड़िये को बिल्ली को मारते हुए नहीं देखा। अच्छा, हमारी एक और बिल्ली कल रात को ही खो गई है। आपने पुलिस को बता दिया है? उन्हें क्यों बताएं? देखो, भेड़िया बिल्लियों को मार रहे हैं और हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, समझी? माल मिल गया क्या? नहीं, इसके पास तुम्हारा माल नहीं है और यहाँ से तो इसे कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम शहर से ले आएंगे, वहाँ हमारी बहुत पहचान है, हम खुद खरीद लेंगे। हमें जल्दी निकलना होगा। हमें उन लोगों को रोकना होगा। मैं तुम्हारे डैड को फोन लगाती हूँ। रुक जाइए, वो अभी पार्क की दूसरी तरफ है, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, हम उनसे रेडियो पर भी बात नहीं कर सकते। मॉम मदद कर सकती है। पर वो तो पहाड़ों की ओर निकल गई है, भेड़ियों की बस्ती के बिल्कुल बीच में। चलो। तुम्हारी मॉम ने तो घर का ख्याल रखने के लिए कहा था ना? वो कोई और भी कर सकता है, हमें उन भेड़ियों को बचाना चाहिए। ओके। कोई और भी ये कर सकता है, पर कौन? चल कर जाएंगे तो आसान होगा। तुम्हारी मॉम को कैसे ढूंढे? हम नहीं, लैसी ढूंढेगी, है ना गर्ल? चलो। तुम्हारी मॉम उस भेड़िये के पिंजरे को लेकर यहाँ तक आई है? हाँ, क्योंकि भेड़ियों के झुंड के साथ ही उस बच्चे को छोड़ा जा सकता है। हाँ, बात तो सही है। फिर वो लोग चले गए और जोई हार्वे और लेसी के साथ भेड़ियों को ढूंढने चली गई। और उन्हें यहाँ रहकर घर का ख्याल रखने को कहा था। ओ?
तो अब उनके घर का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। तो अब हम उनके फ्रिज को लूट सकते हैं। नहीं, उनके घर में इस वक्त अभी कोई भी नहीं है, तो अब हमें उनके घर को बचा कर रखना होगा। पर किससे? वो नहीं पता, अगर लासी यहाँ होती तो वो भी पूरे घर का ख्याल रखती। अजीब बात है, उन लोगों ने कहा कि भेड़ियों ने उनकी बिल्लियों पर अटैक किया है, पर देखो इन खरगोशों को तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है। बारूद के लिए कोई इतने दूर तक क्यों जाएगा जबकि ये खतरनाक हो सकता है। तुम्हें यहाँ कोई भेड़िया दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिखा। अरे नहीं, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम सच में डर गए थे ना? हाँ मैं डर गया था। अब जाओ मेरी फ्लैशलाइट लेकर आओ। अब ये क्या बचपना है जोई? ओके, मैं तुम्हारी फ्लैशलाइट लेकर आती हूँ। फ्लैशलाइट मिल गई। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, हमें जल्दी बाकियों को ढूंढना होगा। चलो साथ में रहना। ओके, ये तो खरगोश है। चोर घुस गया है। क्या? मेरा पीछा आओ। पकड़ो उसे, वो भागना नहीं चाहिए। मैंने पकड़ लिया। लासी, कहाँ जा रही हो तुम? जल्दी करो। मॉम, जोई, हार्वी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ आप हमें मिल गई मॉम। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ। चलो हम लोग घर चलकर बात करते हैं। नहीं, वो घर पर नहीं है, वो यही है। यहाँ पर? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम मिसेस ली के यहाँ गए थे, वहाँ दो आदमी आए थे, उन्होंने कहा कि वो भेड़ियों का शिकार करने जा रहे हैं। ओह, वुल्फ हंटिंग? वो लोग भेड़ियों को पकड़ने यही आने वाले थे। वो यहाँ पार्क में भेड़ियों को पकड़ने आए हैं? हाँ, वो लोग यही आसपास हो सकते हैं। क्या आपको लगता है भेड़िये उनकी बिल्लियों पर सच में अटैक कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल जोई, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस केस में चलो बिल्कुल आवाज मत करना। Thank you.
यहाँ आकर देखो, जल्दी जल्दी आ जाओ। वाव, ये तो वही छोटा बच्चा है। उन लोगों ने उसे अपना लिया है, पर यही तो बात है, इन बच्चों की वजह से ही भेड़िये कहीं शिकार पर नहीं जाते हैं। वो लोग उसके पास भी नहीं जाना चाहते। मतलब उन्होंने इस आदमी की बिल्लियों पर अटैक नहीं किया, फिर भी वो लोग इन पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो बहुत गलत है। चलो बेटा, बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं। वो बच्चा भेड़ियों के साथ सेफ है ना? हाँ स्वीट हार्ट। अरे ये सब क्या है? ओह नहीं, वो यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। मैंने सब जगह को चेक कर लिया था। ये किसी भालू का काम नहीं हो सकता, उसके पंजे के निशान भी नहीं है, बस दांत है। ये भेड़ियों ने नहीं किया? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो एक कुत्ता है। कोई बड़ा कुत्ता? मैं ट्रक में जाल बिछा देती हूँ। और यह ट्रैंक्विलाइजर। हम लोग उसे पकड़ने जा रहे हैं। हमें जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, पर मैं नहीं चाहूंगी कि कोई उस जाल में फंस जाए। उसे चोट लगने से पहले हमें उसे पकड़ना ही होगा, वरना किसी और को चोट लग जाएगी। ये तो जाल है, इसमें जहर होगा क्या? शायद नहीं, इसके आसपास देखो। लासी क्या कर रही है? वो ट्रैप्स बंद कर रही है। बहुत बढ़िया लासी। सब ट्रक में जाकर रख देते हैं, जो इन्हें बेचता है उसे तुम्हारे डैड देख लेंगे। तो क्या हम रात भर जाकर इस घर पर पहरा देंगे? हाँ, मेरे ख्याल से हमें यही करना चाहिए। लासी होती तो वो भी यही करती। पर वो तो घर के अंदर होती ना। मेरे ख्याल से हाँ। तो फिर शायद हम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। लासी अंदर क्या कर रही होगी? हाँ, खाती होगी। ओके तो चलो फिर। ओके। ए, तुम रुक जाओ। यही दोनों मिसेस ली के स्टोर में आए थे। तुम लोग ये कहाँ लेकर जा रहे हो? नीचे रख दो उसे। तुम्हें पता है कि ये गैर कानूनी है? तो मैं क्या करूं? वापस दो मुझे। इसके अंदर कोई भी फंस सकता था, जिसने भी तुम्हें ये बेचा है उसकी खैर नहीं है। अ
आप इन सबसे दूर रहो मैडम, हमने हमारी बिल्लियाँ खोई हैं। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे नहीं लगता कि भेड़ियों ने तुम्हारी बिल्लियों पर हमला किया है। और आपको ये कैसे पता चला? मेरी मॉम वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और वेटरिनेरियन है। देखो, यहाँ भेड़ियों के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह का काम कर सकता। मैंने है वहाँ की हालत देखी है और टीथ मार्क्स भी। तुम्हारी बिल्लियों को कुत्तों ने मारा है और वो भी एक बड़े वाले, शायद वो खूंखार हो चुका होगा। हाँ, पर ये कुत्ता यहाँ पर क्या कर रहा है? लोग अक्सर अपने कुत्तों को यहाँ पर छोड़ जाते हैं जब वो उन्हें पाल नहीं सकते। ये बिल्कुल सही नहीं है, पर वो लोग ऐसा करते हैं। तुमने कुत्ते को मारा है ना, वो भी बड़े वाले? सच बताना। वो भेड़िया था। इसी ने तुम्हारी बिल्लियों को मारा है। ये तो तुम्हारा कुत्ता था, है ना? पर अब ये मेरा कुत्ता नहीं है, यहाँ से चलना चाहिए। तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो? पकड़ती अगर मुमकिन होता। हाँ, वो यहाँ है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। हमें थोड़ी और खुली जगह चाहिए, हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा। नदी के पीछे की तरफ बहुत सारी जगह है। केबल क्रॉसिंग के पास में वहाँ जाना पड़ेगा। सब लोग पीछे जाओ, मैं देखती हूँ वहाँ तक लेकर जाना है क्या। तुम तो इस डॉग को जानते हो ना? वो मैक्स है, उसका नाम विलियम है। बस पीछे जाओ, अगर भागोगे तो मरोगे। जस्ट पीछे जाओ। चलो भागो इससे पहले कि वो हमें पकड़ ले। तेज और तेज। अरे नहीं नहीं, हमें उस बास्केट से नदी पार करनी पड़ेगी। तुम्हें सच में लगता है कि हम सब इसके अंदर आ जाएंगे? हार्वी, तुम पहले जाओ। पर मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। हम तुम्हें धक्का देंगे। सोई, रुको। इसकी मदद से तुम वहां तक पहुंच जाओगे। जोई, अब तुम्हारा टर्न। बिल्कुल नहीं, अब मैं जाऊंगा। भागो मत। मेरे रास्ते से हट जाओ लड़की।
ठीक तो हो ना, मैं कितनी डर गई थी। ये तुम्हारा डॉग है ना? हाँ, ये है लैसी। लगता है उन भेड़ियों ने ही आज हमारी जान बचाई है। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये, अगर हमने डैड को बताया तो वो उस डॉग को ढूंढकर उसकी मदद करेंगे। हाँ, वो बिल्कुल करेंगे। मेरे हस्बैंड यहाँ के चीफ रेंजर हैं। मतलब वो इस मामले में हमसे पूछताछ कर सकते हैं? बिल्कुल। लासी। हेलो। हाय लासी, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ओह अच्छा है। तुम नहीं थी तो हमने तुम्हारे घर का ख्याल रखा। ये सब क्या है? ओफो, वापस नहीं। किचन के ये हालत किसने की होगी? ये सब क्या है? मुझे नहीं लगता कि ये किसी बड़े कुत्ते का काम होगा। तुम लोगों ने ये सब क्या किया? हम तो तुम्हारे गैर हाजिरी में घर को बचा रहे थे, तुम जानती हो ना, जंगली जानवर से। और तुमसे घर को कौन बचा रहा था? मुझे चलना चाहिए। थैंक्स लैसी। तुम सच में बहुत बहादुर हो लासी। यू आर द बेस्ट।